नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। जोसेफ विजय चंद्रशेखर साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता है। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के अंदाज से लाखों लोगों के दिलों में एक अपने लिए अलग जगह बनाई। उन्होंने महज 10 साल की छोटी सी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बतौर लीड एक्टर उन्होंने साल 1992 में फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म नायला थिरप्पू से की थी। उनके बाद उन्होंने तमिल की कई एक्शन, रोमांचक, ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों में काम किया एवं सफलता हासिल की। विजय के साथ इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने विजय के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी और वे आज भी विजय की काफी बड़ी फैन है। वहीं विजय को उनके शानदार अभिनय के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं साउथ के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर के बारे में कुछ रोचक बातें। तो आइए साउथ के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जीवन पर एक नजर डालते हैं। उसका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जन्म 22 जून 1974 चेन्नई तमिलनाडु भारत में हुआ था। पिता का नाम एस चंद्रशेखर जो एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। माता शोभा चंद्रशेखर जो एक सिंगर थी। पत्नी संगीता सोनीगम। साउथ के दिग्गज अभिनेता विजय चंद्रशेखर का जन्म निर्माता और निर्देशक एच.एस. चंद्रशेखर के घर हुआ था। उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर एक सिंगर है। उनकी विद्या चंद्रशेखर नाम की एक बहन भी थी जिसकी 2 साल की छोटी उम्र में मौत हो गई थी। विजय ने अपनी शुरुआत की शिक्षा चेन्नई के वीरू का बम्बकम के बाल लोक से की थी। उसके बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स चेन्नई के लॉयोला कॉलेज से किया था। साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार विजय चंद्रशेखर ने फिल्मों में तो कई अभिनेत्रियों के साथ रोमांच किया है, लेकिन उनकी रियल लाइफ भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। जी हाँ, वे अपने ही फैन संगीता को अपना दिल दे बैठे थे। संगीता उनकी सबसे बड़ी फैन थी और एक दिन वे उनके सेट पर पहुंच गई और खुद के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को मिलने लगे एवं नजदीकियां बढ़ती गई। फिर दोनों ने 25 अगस्त साल 1999 में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की और 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। दोनों को 2 बच्चे भी है। साल 1984 में विजय ने फिल्म वेत्री से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को उनके पिता ने डायरेक्ट किया था। वे शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। और फिर साल 1992 में लीड एक्टर के रूप में उन्होंने तमिल फिल्म नायला थिरप्पू से अपना डेब्यू किया था और फिर उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देते चले गए। आइए तो जानते हैं उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में। प्रिया मुदान, नंदबन, रावड़ी राठौड़, पुली, मर्सल, सरकार, बिगिल जैसी कई हिट फिल्में दी है। साउथ के सुपरस्टार हीरो विजय चंद्रशेखर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में लंबे समय तक काम किया था। 1992 में लीड एक्टर के रूप में उन्होंने फिल्म नायला थिरप्पू से डेब्यू किया था। विजय चंद्रशेखर रजनीकांत के बहुत बड़े फैन है। हॉलीवुड एवं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी उनकी फिल्म करियर की शुरुआत विजय के साथ की थी। 2002 में थामी जहां फिल्म में दोनों ने एक साथ करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा विजय बॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी स्वर्गीय अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ भी काम कर चुके हैं। तमिल एक्टर विजय चंद्रशेखर जी के बारे में सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि उन्होंने किसी अभिनेत्री से नहीं बल्कि अपनी ही एक फैन संगीता से शादी की थी। विजय चंद्रशेखर को उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। साल 2017 में विजय चंद्रशेखर की फिल्म मर्सल को काफी विवाद में गिर गई थी। इस फिल्म के एक डायलॉग में सरकार द्वारा लागू किए गए GST का उल्लेख किया गया था, जिसे लेकर इस फिल्म को काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। हालांकि फिर भी वह फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी। साउथ के सुपरस्टार विजय चंद्रशेखर साल 2002 और साल 2009 में कोको कोला के ब्रांड एम्बेसडर रूप में चुने गए थे। उन्होंने कई साउथ एडवर्टाइजमेंट में भी काम किया है और बॉलीवुड की अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ भी काम किया है। इसके अलावा एक्टर विजय चंद्रशेखर जी को इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग के लिए स्टार एम्बेसडर रूप में चुना गया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस नयनतारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा मानक डॉक्टर की उपाधि से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, ये थी एक्टर विजय चंद्रशेखर के बारे में कुछ रोचक बातें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट।